अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़। लास्ट वीडियो में मिस्टर सलमान ने आप लोगों को प्रोसीजर बताया था अकाउंट ओपनिंग फॉर्म को फिल करने का और ओटीपी जनरेशन की रिक्वेस्ट भेजने का। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ओटीपी जनरेशन की रिक्वेस्ट के बाद जब ओटीपी आपको मिल जाती है तो उसके बाद आपने क्या क्या स्टेप्स लेने हैं अपने अकाउंट को कंप्लीशन की तरफ लेके जाने के लिए। आपके पास जब आपकी ओटीपी जनरेट हो जाए तो आप sestrade.com विज़िट कीजिए और ऑनलाइन ट्रेडिंग पे क्लिक करके ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग पोर्टल पे क्लिक कीजिए। आपके पास एक ऐसी लॉगिन स्क्रीन खुल जाएगी। यहाँ पे आप अपना वो यूज़र आईडी या ईमेल डालिए जिसके थ्रू आपने रजिस्टर किया था ओटीपी जनरेशन की रिक्वेस्ट के लिए, और यहाँ पे वो पासवर्ड डालिए जो आपको ईमेल पे आया था ओटीपी जनरेशन की रिक्वेस्ट फॉर्म फिल करने के बाद। उसके बाद जब आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ एक नई विंडो खुलेगी और आपसे ओटीपी मांगेगी। वो ओटीपी जो आपको एसएमएस के थ्रू रिसीव हुई है वो आप उस पर एंटर करेंगे और आप अगले स्टेप पे फॉर्म पे चले जाएंगे। जब आप अपने पोर्टल पे लॉगिन करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसी विंडोज़ खुलेगी और ये सारी डिटेल्स हैं जो आपको फिल करनी होंगी इन ऑर्डर टू कंप्लीट योर एप्लीकेशन प्रोसेस। इस पोर्टल पे आप सबसे पहले अपने बेसिक डेटा पे क्लिक करेंगे और ये वाला फॉर्म फिल करेंगे। इसमें जो भी डिटेल है ना वो स्टेप बाय स्टेप फिल होगी। सबसे पहले बेसिक डेटा का फॉर्म फिल होगा, वो फिल होने के बाद आप इस फॉर्म को एक्सेस कर सकेंगे अभी, वरना ये आपसे बोलेगा कि फर्स्ट कंप्लीट बेसिक डेटा। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। UIN टाइप में आप अपना CNIC सेलेक्ट करेंगे। UIN में आप अपना CNIC डालेंगे। नेम में आपका जो नाम होगा वो डालेंगे। फादर या हस्बैंड नेम में आप अपना फादर या हस्बैंड का नेम डालेंगे। यहाँ आप अपना मदर का मेडन नेम डालेंगे। यहाँ आप अपनी नेशनैलिटी सेलेक्ट करेंगे, मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करेंगे और यहाँ आप अपने CNIC की एक्सपायरी डेट डाल देंगे और इधर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। ये एंटर करने के बाद आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। बेसिक डिटेल्स फिल करने के बाद आप देखेंगे यहाँ लिखा हुआ आएगा यू हैव सक्सेसफुली फिल्ड बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब हम कॉन्टैक्ट डिटेल्स का फॉर्म फिल करेंगे। कॉन्टैक्ट डिटेल्स का फॉर्म भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आप अपना कंप्लीट एड्रेस यहाँ लिखेंगे, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस ऑलरेडी आपका यहाँ आ जाएगा। कंप्लीट एड्रेस आप लिखेंगे, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 में आप डिवाइड कर दीजिए। उसके बाद आप कंट्री पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे, फिर आप अपना प्रोविंस सेलेक्ट करेंगे और फिर आप अपना सिटी सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अगर आपकी मेलिंग डिटेल्स और परमानेंट डिटेल्स सेम हैं, यानी कि आपको जिस एड्रेस पे आपकी मेल रिसीव होती है वो वही एड्रेस है जो आपका परमानेंट एड्रेस है जो आपकी CNIC पे लिखा है, तो आप यहाँ क्लिक हेयर पे क्लिक कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएगा और यहाँ सेव हो जाएगा। इस सब को फिल करने के बाद आप सबमिट के बटन पे क्लिक कर दीजिए। अच्छा, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप जब फिल कर देंगे तो आप अटर्नी इन्फॉर्मेशन पे आ जाएंगे। अटर्नी इन्फॉर्मेशन के पेज पे बेसिकली होता क्या है कि इन केस आप अगर किसी और को आपके अकाउंट मैनेजमेंट के राइट्स देना चाहते हैं तो उस सूरत में आप उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ फिल करेंगे। लेट्स से कि आप चाहते हैं कि आपका भाई आपके बिहाफ पे ट्रेडिंग करे तो आप यहाँ पे अदर सेलेक्ट करेंगे और अपने भाई का नाम, उनका CNIC, उनका CNIC की एक्सपायरी, मोबाइल नंबर, एड्रेस, सारी डिटेल्स जो हैं आप यहाँ एंटर करेंगे और इसके अलावा आपको एक एफिडेविट भी साइन करना होगा, वो लेटर प्रोसीजर में आएगा और ये बहुत रेयर केसेस में होता है। अब मोस्टली एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन तो आप जो है वो खुद उसको मैनेज कर सकते हैं। इस एग्जांपल में हम ये अज्यूम करेंगे कि हम अटर्नी प्रिविलेजेस किसी को नहीं दे रहे और हम खुद अकाउंट हैंडल करेंगे, तो हम यहाँ पे सेल्फ को सेलेक्ट कर लेंगे। सेल्फ को सेलेक्ट करके हम सबमिट के बटन पे क्लिक कर देंगे। अटर्नी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आप नॉमिनी की इन्फॉर्मेशन डालेंगे। नॉमिनी इज़ बेसिकली योर नेक्स्ट ऑफ किन। खुदा न खास्ता आपको अगर कुछ हो जाता है तो आपके बाद ये अकाउंट किसको हैंड ओवर होगा, ये हम नॉमिनी में सेलेक्ट करते हैं।
तो यहाँ पे भी वही प्रोसीजर है, आप का अगर कोई नॉमिनी है तो आप यहाँ पे यस को सेलेक्ट कीजिए और रिलेशन सेलेक्ट करके उनका नाम, उनका सी एन आई सी नंबर, मोबाइल नंबर, एड्रेस, CNIC की एक्सपायरी डेट और फ्रंट और बैक की पिक्चर यहाँ पे आप लगा दें इसको, तो ये आपका नॉमिनी इन्फॉर्मेशन फॉर्म भी फिल हो जाएगा। तो हम सबमिट के बटन पे क्लिक कर देंगे। नॉमिनी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आप अदर इन्फॉर्मेशन के विंडोज़ पे आ जाएंगे और यहाँ पे आपने बेसिकली अपनी ऑक्यूपेशन की जो डिटेल्स हैं वो फिल करनी है और अपने ऑक्यूपेशन के बारे में बताना है। तो आप यहाँ से अकाउंट टाइप नॉर्मल ही रखेंगे और ग्रॉस एनुअल इनकम स्लैब आप सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद आपने सोर्स ऑफ इनकम अपना बताना है, उसके बाद आपकी ऑक्यूपेशन क्या है आपने वो सेलेक्ट करनी है। लाइक आई सेड, अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आप बिज़नेस सेलेक्ट करेंगे, अगर आप कुछ और करते हैं, कोई जॉब करते हैं तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इन केस अगर यहाँ पे आपका कोई डिटेल मेंशन नहीं है तो आप अदर को सेलेक्ट करके यहाँ पे आप लिख सकते हैं जो भी आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी आप लिखना चाहते हैं। यहाँ पे आप अपना जॉब टाइटल और डेजिग्नेशन लिखेंगे और आप जिस डिपार्टमेंट में होते हैं आप वो डिपार्टमेंट लिखेंगे। इसके बाद आप अपना बिजनेस का नाम लिखेंगे, अगर आप बिजनेस करते हैं अपने एम्प्लॉयर का नाम लिखेंगे, कंपनी का जो आप अगर एम्प्लॉयमेंट करते हैं। यहाँ पे आप अपना एम्प्लॉयर का एड्रेस यानी कंपनी का एड्रेस लिखेंगे। अच्छा, एम्प्लॉयर एड्रेस डालने के बाद आप अपना ज़कात स्टेटस सेलेक्ट करेंगे, अगर आप नॉन मुस्लिम हैं तो आप नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट करें, और अगर आप चाहते हैं, आप मुस्लिम हैं, आप चाहते हैं आपके डिविडेंड्स पे आपकी ज़कात कटे तो आप डिडक्टेबल सेलेक्ट करें, और अगर आप मुस्लिम हैं और आप चाहते हैं कि आपके डिविडेंड्स पे आपकी ज़कात ना कटे तो आप नॉन डिडक्टेबल सेलेक्ट करें। नॉन डिडक्टेबल सेलेक्ट करने की सूरत में आपको CZ50 फॉर्म जो है वो 50 रुपये के एफिडेविट पेपर पे, स्टैम्प पेपर पे अपलोड करना होगा, उसके बाद आपकी इसकी एप्लीकेशन पूरी होगी। बाकी आप यहाँ पे उसके बाद अपना बैंक का नाम लिखिए। अच्छा, आप जब अपनी अदर इन्फॉर्मेशन फिल कर लेंगे तो आपकी लास्ट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स इन्फॉर्मेशन की रह जाएगी। इसमें 3 से 4 डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और वो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या है। प्रूफ ऑफ एड्रेस में आप अपना लेटेस्ट जो भी यूटिलिटी बिल है, बिजली का, गैस का, वो आप उसकी पिक्चर जिस पे एड्रेस प्रॉपर्ली दिख रहा हो वो लेके आप यहाँ अपलोड कर दें। प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयर एड्रेस में आप अपना विजिटिंग कार्ड जिस पे एड्रेस दिख रहा हो, वो वाला पार्ट, आपका नाम दिख रहा हो, आपकी डेजिग्नेशन दिख रही हो, आप वो अपलोड कर दें। स्पेसिमेन सिग्नेचर में आप एक वाइट पेपर के ऊपर साइन करके उसकी पिक्चर लेके आप यहाँ अपलोड कर दें, क्लियर पिक्चर होनी चाहिए वो। और लास्ट डॉक्यूमेंट जो है वो ज़कात डिक्लेरेशन का है। आपको याद होगा अगर हमने बात की थी, अगर आप उसको नॉन डिडक्टेबल करते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, वो आप यहाँ अपलोड करेंगे। डॉक्यूमेंट है CZ50 फॉर्म, 50 रुपये के स्टैम्प पेपर पे वो आपने अपलोड करना है फिल करके, और उसको जो है वो आपको बहुत इजीली हर जगह अवेलेबल होगा, वो कोर्ट्स के बाहर भी मिलता है, वो सिविक सेंटर पे भी मिलता है, आपको बहुत आसानी से वो फॉर्म मिल जाएगा। डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद आपकी इन्फॉर्मेशन, आपकी एप्लीकेशन ये SCS पे आएगी। SCS पे हम इसको रिव्यू करेंगे और इसकी एक्यूरेसी को रिव्यू करेंगे। इसके बाद आपकी जो प्रूफ ऑफ इनकम डॉक्यूमेंट है वो हमें रिक्वायर्ड होगा, और अकाउंट ओपनिंग की जो हमारी मिनिमम लिमिट है 1 लाख की, वो हमें रिक्वायर्ड होगी। वो रिसीव होने पे आपका अकाउंट जो है वो प्रोसेस कर दिया जाएगा। अकाउंट ओपनिंग में एटलीस्ट 3 to 4 वर्किंग डेज रिक्वायर्ड होते हैं, तो 3 से 4 वर्किंग डेज के अंदर अंदर इंशाल्लाह ताला आपका अकाउंट खोल दिया जाएगा। वंस वी हैव रिव्यूड द एप्लीकेशन एंड वी हैव रिसीव द अमाउंट एज वेल एज द प्रूफ ऑफ इनकम डॉक्यूमेंट। थैंक यू वेरी मच।